Hello everyone, welcome back to my channel that is Somaja Law and Veins. तो earlier video में हम बात कर रहे थे process to compel appearances के बारे में. We already did about summon from section 61 to 69. So in this video we'll continue with warrant of arrest. As I told you कि इसके four parts है basically summon, warrant of arrest, proclamation of attachment and other rules regarding प्रोसेस. तो समन के बारे में हम बात कर चुके हैं फ्रॉम सेक्शन 61 टू 69. वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे फ्रॉम सेक्शन 70 टू 81. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो अगर हम बात करते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट की फ्रॉम सेक्शन 70 टू 81, इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच आई हैव रिटन हियर इस कि कब हम वारंट को इशू करते हैं, किस केस में इशू करते हैं और क्या होता है जो समन के इशू करने के बाद हम इशू करते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट. अ वारंट इज इशूड ओनली इन सीरियस केसेस एंड आफ्टर अ ड्यूली सर्व्ड समन इज डिसओबेड. वारंट ऑफ अरेस्ट तभी इशू होगा एक सीरियस केस जब होगा, जब समन को सर्व कर दिया जाएगा और उस समन जो वो जो समन होगा इट विल बी डिसओबेड बाय द अक्यूज्ड और if the accused has willfully avoided the services of summon, या फिर जब accused है उसने summon को willfully avoid कर दिया है तो उस case में हम warrant issue करेंगे, warrant of arrest. तो as I told you कि इसमें हम section पढ़ते हैं from section 70 to 81. तो 70 section 70 बात करता है form of warrant of arrest and duration. form क्या है warrant of arrest का और उसका duration क्या होगा. तो इसको आई हैव प्रिसाइज इन स्मॉल थिंग दैट कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट होगा, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, इट शुड बी इन राइटिंग. फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी इन राइटिंग में होना चाहिए. साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर जो है उसका वो साइन किया होना चाहिए उस कोर्ट का. एंड इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. द थ्री पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन सेक्शन 70, शैल बी इन राइटिंग, साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ द कोर्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज विल रिमेन इन फोर्स अनटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट. ये तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कोर्ट के द्वारा इसको कैंसिल नहीं कर दिया जाता या फिर ये कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. ठीक है, ये तब तक फोर्स में रहेगा. सम वारंट ऑफ अरेस्ट का जो फॉर्मेट है वह फॉर्म नंबर 2 में दिया गया है CRPC के. ठीक है, तो यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर. अब सेक्शन 71 की बात करते हैं, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. ओके, तो सेक्शन 71 में हम बात करते हैं पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. सिक्योरिटी टू बी टेकन मतलब किसी भी कोर्ट में, कोई भी कोर्ट जो है जो वारंट इशू कर रहा है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो वो जो पर्सन है कोर्ट को एक स्पेसिफिक बॉन्ड देकर या फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट देकर वो रिलीज़ हो सकता है. कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ श्योरिटी देकर वो रिलीज़ किया जा सकता है इस बेसिस पे कि जब कोर्ट, व्हेन कोर्ट विल डायरेक्ट दैट पर्सन टू अटेंड और टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, ही विल अटेंड और ही विल कम बिफोर द कोर्ट. उस बेसिस पे उस पर्सन को रिलीज़ किया जा सकता है. बट दिस ओनली हैपन्स इन बेलेबल वारंट. यहाँ पे हमेशा होगा जब वो बेलेबल वारंट का केस होगा. अब एक वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट विच शुड बी नोटेड हेयर इज़ दैट कि ये जो बेलेबल वारंट होगा ये इंक्लूड करेगा केसेज ऑफ बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, दोनों को ही इंक्लूड करेगा. ये जो बेलेबल वार्ड है, ये बेलेबल वारंट है, ये इंक्लूड करेगा बेलेबल एज वेल एज नॉन बेलेबल ऑफेंस, दोनों को ही इंक्लूड करेगा. बट अगर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो टेक्निकल नेचर का है, वो अगर टेक्निकल नेचर का, तो ऐसे केसेस में या ऐसे ऑफेंस के केसेस में ये अप्रोप्रिएट होगा कि हम इशू करें बेलेबल वारंट. तब हम इशू करेंगे एक बेलेबल वारंट. ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 72 की, वारंट टू हुम डायरेक्टेड. कौन डायरेक्ट करेगा वारंट को, ठीक है, किसको डायरेक्ट किया जाएगा. तो वारंट जो होगा, अ वारंट ऑफ अरेस्ट,
जो वारंट ऑफ अरेस्ट होगा वो ऑर्डिनरली डायरेक्ट किया जाता है एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को, एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को। बट अगर पुलिस ऑफिसर नॉन अवेलेबल है, देर इज़ अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तो जो कोर्ट होगी वो किसी को भी डायरेक्ट कर सकती है उस को एग्जीक्यूट कराने के, उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए। बट इन केस अगर वन एक या एक से ज़्यादा पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो फिर एनी ऑफ द पर्सन कैन एग्जीक्यूट, या फिर सारे के सारे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 73 की। सेक्शन 73 बात करता है वॉरंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को हम वॉरंट डायरेक्ट कर सकते हैं। या मैंने लिखा है CJM, CJ मतलब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा वो वॉरंट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, जो पर्सन या तो एस्केप्ड कन्विक्ट है, जो भाग चुका है, जो कन्विक्ट है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर कोई भी एक अक्यूज्ड है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो उसके अगेंस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। बट उस पर्सन के अगेंस्ट एक रिसीट में हम लिख कर देंगे कि उसके अगेंस्ट वारंट इशू किया जा रहा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है और क्या चार्जेस लगाए गए हैं उस पर्सन पे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74 जो है वो बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को जो वारंट होगा वो डायरेक्ट किया जाएगा कि वो उसको एग्जीक्यूट कराए। इन केस अगर पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को हम डायरेक्ट कराएंगे और उस पुलिस ऑफिसर को उस वारंट को एग्जीक्यूट कराना होगा। ठीक है, अब सेक्शन 75 की बात करते हैं, नोटिफिकेशन बाय सब्सटेंस ऑफ वारंट। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट का ये मतलब होता है बेसिकली कि जो पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई भी जो अदर पर्सन है जो वारंट को एग्जीक्यूट, वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करा रहा है, वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो पर्सन जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं उसको ये बताएगा कि क्या, किस सब्सटेंस या फिर किस सब्जेक्ट के बेसिस पे उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, किस सब्सटेंस या फिर किस सब्जेक्ट के बेसिस पे उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। और इफ़ पॉसिबल या फिर कह सकते हैं इफ़ नीडेड या इफ़ रिक्वायर्ड, तो ही हैज़ टू शो हिम द वारंट ऑल्सो। उसको वो दिखाना भी होगा कि क्यों वो कर रहा है अरेस्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 76 की, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। ओके, तो सेक्शन 76 जो है वो बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अगर जो पुलिस ऑफिसर है जो वारंट को एग्जीक्यूट करा रहा है उसको विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी अननेसेसरी डिले के उसको प्रेजेंट करना है या फिर उसको कोर्ट के सामने लेकर आना है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस सच पर्सन। बट उसको विद इन 24 आवर्स उसको इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना है, बट एक्सक्लूडिंग जो टाइम ऑफ जर्नी है उसके अलावा उसको इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना है। द सेम थिंग इज़ गिवन इन आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। अब बात करते हैं सेक्शन 77 की। सेक्शन 77 बात करता है कि वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड। तो वारंट जो है वो किसी भी प्लेस, कहीं पे भी इंडिया में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एट एनी प्लेस इन इंडिया। अब आते हैं, बात करते हैं सेक्शन 78 की, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। वारंट जो है वो कब फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। तो जब भी हम वारंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं लोकल जुरिसडिक्शन के आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में इंस्टेड हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट पुलिस ऑफिसर को बिना डायरेक्ट किए हुए, इंस्टेड ऑफ दैट विद इन द लोकल जुरिसडिक्शन, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड इट टू बाय पोस्ट, उसको हम पोस्ट के थ्रू फॉरवर्ड करेंगे, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर है ऑफ पुलिस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का, उसको फॉरवर्ड करेंगे कि वो उसको एग्जीक्यूट करवाए। और वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या फिर जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर होगा, उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो उसको इंडोर्स करवाए अपने नाम पे, एंड इफ़ प्रैक्टिकेबल, और अगर प्रैक्टिकेबली ये पॉसिबल है तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाए जैसे वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 जो है वो बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, फॉर एग्जीक्यूशन
आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। इस केस में क्या करेंगे, जब भी वारंट डायरेक्ट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूट कराने के लिए बियॉन्ड उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वो ऑर्डिनरली वो उसको लेकर जाएगा इधर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, या फिर पुलिस ऑफिसर के पास, बट वो बंदा बिलो, ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, नहीं होना चाहिए, जो उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आ सकता है और उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। बट इन केस ऑफ डिले, अगर डिले हो रहा है इन ऑब्टेनिंग द इंडोर्समेंट, इफ देयर इज अ डिले इन ऑब्टेनिंग द इंडोर्समेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट होना है, वो उस चीज़ में डिले हो रही है, देन इन दैट केस जो पुलिस ऑफिसर है जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, ही विल डू द सेम इंडोर्समेंट एट एनी प्लेस, कहीं पे भी, बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड इट, बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड इट। अब बात करते हैं सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 बात करते हैं प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू। प्रोसीजर क्या होगा किसी भी पर्सन के अरेस्ट का, जिसके अगेंस्ट हम वारंट को इशू कर रहे हैं, अगर ये जो अरेस्ट है ये एग्जीक्यूट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के आउटसाइड, या फिर जो पर्सन है उसको हम अरेस्ट कर रहे हैं वारंट के थ्रू विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जो सुपरिटेंडेंट है उसके थ्रू, तो उस केस में जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो सेक्शन 71 के बेसिस पे प्रोसीड करेगा फर्दर। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 81 की, जो बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। प्रोसीजर, मजिस्ट्रेट क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करेगा जिसके अगेंस्ट वो जो अरेस्टेड पर्सन है वो लाया गया है। ठीक है, सो दिस वाज फ्रॉम सेक्शन 70 टू सेक्शन 81। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि रिक्वायरमेंट्स क्या है टू इशू अ लीगल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट। लीगल ऑर्डर ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट की रिक्वायरमेंट्स या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स जो हम कहते हैं वो क्या है, तो सबसे पहला इट शुड बी इन राइटिंग, ये हमने देखा ऑलरेडी सेक्शन 70 में। फिर हमने ये भी देखा था इट मस्ट हैव अ सील, ये भी हमने सेक्शन 70 में देखा था। हमने ये भी देखा था कि साइंड बाय ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये भी हमने 70 में देखा था। तो तीन पॉइंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 70 में। जो रेस्ट 3 पॉइंट्स वो ये कहते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स के जो है वो ये कहते हैं कि नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। जो बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर को उसका फुल नाम या डेजिग्नेशन वहाँ पे मेंशन होना, ये एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट, फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन हु इज टू बी अरेस्टेड। किस बंदे को हम अरेस्ट कर रहे हैं उसका कंप्लीट नाम और डिस्क्रिप्शन मेंशन होना चाहिए कि किसको हम अरेस्ट कर रहे हैं। वारंट मस्ट स्टेट द ऑफेंस चार्ज ऑन द इंडिविजुअल। जो वारंट है उसके सब्जेक्ट मैटर में या फिर जो उसका जो अंदर का जो सब्सटेंस है, इट शुड इंक्लूड कि कौन से ऑफेंस के लिए उस बंदे को हम अरेस्ट कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल को हम चार्ज कर रहे हैं। तो देयर आर बेसिकली 6 एसेंशियल एलिमेंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल हैविंग अ लीगल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, वाइल इशूइंग अ लीगल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट। So guys, this was all about warrant of arrest. Those who want to know about summon, I'll drop a link about summon details in the description box below. You can check it from there. What is summon? What are the details of summon? How is it issued? Forms of summon? Each and every detail is given in that video. So you can go and check from there. So this was all about warrant of arrest. From section 70 to 81 we have covered form of warrant of arrest and duration and everything we have covered. So stay tuned for the next video and stay safe and stay healthy. Thank you so much for watching this video.